दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि कौन सा ग्रह क्या करने से खराब हो जाता है, हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से कुछ ग्रह हैं जो खराब हो सकते हैं और अपना दुष्प्रभाव करने लगेंगे जीवन में। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य किन आदतों की वजह से या किन हमारे कामों की वजह से खराब हो जाता है और अशुभ फल देने लगता है। दोस्तों जूठे हाथों से देवालय में प्रतिमाओं को स्पर्श करने से, पिता व पितृ देवताओं का अपमान करने से, सूर्य भगवान, धर्म शास्त्र आदि पुराण आदि का अपमान करने से सूर्य हानिकारक हो जाते हैं। पिता का विशेष रूप से अपमान करने पर सूर्य हानिकारक हो जाते हैं। सूर्य नारायण को जल प्रतिदिन न देने से सूर्य नारायण हानिकारक हो जाते हैं, यानी कि कुंडली में सूर्य जब खराब हो जाते हैं तो उससे अपयश जिंदगी में मिलता है, कीर्ति धूमिल हो जाती है व्यक्ति की और राजपक्ष से कष्ट की प्राप्ति होती है, नेत्र व गले या सिर के रोग होने लगते हैं, बंधन भी हो सकता है, कोई पनिशमेंट मिल सकती है और कारागार यानी कि जेल तक की नौबत पहुंच सकती है और सरकारी जैसी नौकरियों इत्यादियों में काफ़ी कष्ट से प्राप्त होती हैं और जो करियर है उसे बनाने में, डेवलप करने में काफ़ी सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। दोस्तों सूर्य ग्रह को इस स्थिति में यदि आपका सूर्य ग्रह है और उसकी शांति यदि आपको करनी है तो बताए गए सूर्य के बारे में जो जो बातें हैं उन्हें आप सही कर लीजिए तो सूर्य आपका सही होने लगेगा, अच्छा फल देने लगेगा। आइए जानते हैं अब चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा माता का अपमान करने से चंद्रमा शिथिल हो जाता है, चंद्रमा दुष्प्रभाव करने लगता है, तीर्थों का जल दूषित करने से, जल से भरे पात्र पर पैर मारने से, झाड़ू पर लात मारने से, भगवान शंकर की अवहेलना करने से, रामचंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र से जो लोग विरोध करते हैं चंद्रमा उनका बहुत दुष्प्रभाव देने लगता है और विशेषकर उसके फल स्वरूप परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सुख और शांति, मन की सुख शांति चले जाती है और शरीर कांतिहीन हो जाता है। इन सारी चीजों को आप पॉजिटिव बना लीजिए तो चंद्रमा आपको शुभ फल देने लगेगा। दोस्तों मंगल खराब हो सकता है किन्हीं आदतों की वजह से और वो आदतें हैं क्रोध करने से अनायास ही, किसी पर हाथ उठाने से, हेरा फेरी या चोरी करने की आदत से, पवित्र अग्नि का अपमान करने से, यज्ञ कुंड में अपवित्रता फैलाने से, अपने से बड़ों का या गुरु का माता पिता का आज्ञास जो आज्ञानुसरण नहीं करते उनका मंगल खराब हो जाता है, कायरता दिखाने से, रण छोड़कर भाग जाने से, अपने देह का अभिमान करने से, व्यर्थ ही दूसरों को परेशान करने से मंगल अपना दुष्प्रभाव देता है, जीव हत्या करने से, हिंसा करने से मंगल खराब हो जाते हैं और अपने अशुभ फल के परिणाम में व्यक्ति को शस्त्र से आघात देते हैं, परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है और धन चोरी हो सकता है, अग्नि से शरीर को जीवन में कष्ट पहुंचता है और दुखी रहता है। इसलिए मंगल के यदि ये दुष्प्रभाव दूर करने हैं तो इनका ठीक पॉजिटिव जो है अपने जीवन में आदतें बनाइए तो आपका मंगल शुभ हो जाएगा। दोस्तों बुध के बारे में जानते हैं कि नहीं आदतों की वजह से बुध हमारा खराब हो सकता है कुंडली में। वो इस प्रकार से है कि झूठ बोलने से, अपशब्द किसी को कहने से, क्रूर व्यवहार करने से,
बुद्धि का, अपनी तेज बुद्धि का दुरुपयोग करने से, पर्यावरण को नुकसान या हानि पहुंचाने से, पशु पक्षियों को दाना न डालने से, वाहन को चुराने से। साथी में बहन हो गई, बुआ, मौसी, इनसे संबंध खराब करने पर, बेईमानी करने से, धोखाधड़ी करने से, किसी के धन की चोरी करने से, किसी के हिसाब किताब में हेराफेरी करने से, दिवाले में किसी प्रकार का कोई चोरी चकारी करने से, स्त्रियों का धन हरण करने से और गौवंश की सेवा न करने से, किन्नरों का अपमान करने से, किसी सुंदर व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष राग करने से, धन अन्न वस्त्र का दान न करने से और इन सारी चीजों को चुराने से, दिन में ही सूर्य के प्रकाश में ही मैथुन करने से, अतिथि का सम्मान न करने से, गणपति का अपमान या उनसे द्रोह करने से बुध दोस्तों खराब हो जाता है और अपने दुष्प्रभाव के परिणाम से जो क्रूर फल देता है वो है व्यक्ति को मानसिक बीमारियां दे देता है, कुबुद्धि बना देता है, धन की कमी जीवन में दे देता है और स्त्रियों से कष्ट पाता है, धन अन्न वस्त्र से रहित हो जाता है व्यक्ति, कुरूप हो जाता है, वाणी कठोर हो जाती है, त्वचा रोग होने लगते हैं और सम्मान रहित जीवन जीना पड़ता है। बुध के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ये बताई गई सारी बातों को आप पॉजिटिव लेकर चलिए जीवन में, तो आपका बुध जो है सही और अच्छा फल देने लगेगा। मित्रों, जानते हैं गुरु किस प्रकार से, गुरु ग्रह किस प्रकार से खराब हो जाता है हमारी कुंडली में, किन आदतों की वजह से? दोस्तों, गुरु माता पिता और बड़ों को अपशब्द कहने वाले, उनकी बेइज्जती करने वाले, धर्म के विरोध करने वाले और धर्म स्थानों से दूर रहने वाले, नित्य संध्या वंदन न करने वाले, धर्म को परिवर्तन करने वाले, अपना माथा यानी कि ललाट सूना रखने वाले, विद्या का दान न देने वाले, किसी की रोजी रोटी छीनने वाले, ज्ञान का, अपने ज्ञान का अहंकार करने वाले, नास्तिक लोग, धर्म शास्त्रों पर कटाक्ष करने वाले, पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने वाले, रोगी की सहायता न करने वाले, परिवारजनों से वैर करने वाले, ब्राह्मणों से विरोध करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिव का सम्मान न करने वाले, मात्र स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं और दूसरों को नहीं देते हैं, ऐसे लोग सदा भोग विलास और मैथुन में लिप्त रहने वाले, शुद्ध स्वच्छ न रहने वाले, देवगुरु बृहस्पति उनको अपना अशुभ फल देते हैं और अशुभ फल दुष्प्रभाव के परिणाम में स्वास्थ्य व्यक्तियों का अच्छा नहीं रहता, लीवर से संबंधित परेशानी रहती है, पाचन तंत्र की बीमारी होती है, उच्च पद से व्यक्ति गिरने लगता है, मान इज्जत पद प्रतिष्ठा का में गिरावट आती है और पेट के रोग होने लगते हैं, वजन अचानक घटने या बढ़ने लगता है, वसा की मात्रा से शरीर को नुकसान पहुंचता है और इज्जत के बिना ही जीवन जीना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि ऐसी कोई आदतें आपके अंदर हैं तो गुरु को, गुरु के इन सारे बातों को आप अपने जीवन में सत्य की ओर ले जाइए, यानी कि पॉजिटिव बनाइए, अच्छा बनाइए, तो बुध जो है आपको शुभ फल देने लगेंगे। मित्रों, शुक्र के बारे में जान लेते हैं कि हमारे किन आदतों की वजह से शुक्र जो है खराब हो सकता है कुंडली में और अपने शुभ फल को दूर कर सकता है। दोस्तों, मैला कुचेला रहने से, स्वच्छ साफ कपड़े न पहनने से, पराई स्त्री व पुरुष से संबंध बनाने से, पकाए अन्न का भगवान को भोग न लगाने से, घर को, मंदिर को, ऑफिस को या जिन स्थानों पर आप बैठते हैं, अपना समय बिताते हैं, उन स्थानों को स्वच्छ व सुंदर न रखने से, विद्वानों से, पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों से ईर्ष्या करने से, सफल हुए लोगों से दुराग द्वेष करने से, स्त्री का अपमान करने से, लक्ष्मी नारायण का अपमान करने से, धन का व्यय करने से, अपव्यय करने से,
दरिद्रता रखने से, बदबूदार और घृणित वातावरण में रहने से शुक्र आपका खराब हो जाता है और खराब होने के परिणाम में अशुभ परिणाम जो देता है वो है भौतिक संसाधनों की जीवन में कमी कर देता है और आपका आकर्षण लोगों के प्रति खत्म कर देता है। कामुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो प्रख्यातता है, विख्यातता है, वो कहीं धूमिल होने लगती है, कम होने लगती है। आर्थिक बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं और पारिवारिक कलेश, कलह कलेश, संकट जीवन में दिखाई देते हैं। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए इन्हीं नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाइए। दोस्तों, शनि हमारी कुंडली में किन कारणों से, किन आदतों से खराब हो सकते हैं और अपना दुष्प्रभाव कर सकते हैं। आलस्य करने से, जुआ खेलने से, सट्टा खेलने से, शराब पीने से, मांस खाने से, झूठी गवाही देने से, अंधे, अपंग, विधवा, अबला और कन्या, इन सबको सताने से या इनसे गलत संबंध रखने से, इनका धन हरण करने से, धोखाधड़ी करने से, ईश्वर के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ बोलने से, धर्म का मजाक उड़ाने से, शरणागत की रक्षा करने से, नाखून व दांत गंदे रखने से, प्रॉपर्टी हड़पने से, चींटियों को मारने से, भिक्षुक को कुछ न देने से शनि खराब होने लगते हैं और अपने दुष्परिणाम स्वरूप परिवार में ऐसे व्यक्ति के झगड़े होने लगते हैं। जो पारिवारिक संपदा है, जिसे हम पुरखों की जमीन या जायदाद कहते हैं, उससे हाथ धोना पड़ता है, फूट पड़ जाती है परिवार में, कला कलेश देखने को मिलते हैं, संपदा का नाश हो जाता है, शारीरिक स्थिरता होने लगती है, झूठे दोष व्यक्ति के ऊपर लगते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है, पैरों में दिक्कत होने लगती है, आशा निराशा में बदल जाती है और फल निष्फल हो जाते हैं। तो शनि के ये दुष्प्रभाव से, परिणामों से बचने के लिए इन्हीं जो नेगेटिव बातें हैं इनको पॉजिटिव अपने जीवन में बनाइए तो शनि अच्छा हो जाएगा। राहु के बारे में जानते हैं कि राहु किन कारणों के वश या आदतों के वश खराब होते हैं कुंडली में और अपना दुष्प्रभाव करते हैं। दोस्तों, अतीत की परेशानियों को हमेशा याद कर करके जो रोते रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते, हर समय मुख फुला या दुखी रहते हैं, जीवन में केवल ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, कर्मठ जो नहीं होते हैं, ज्यादा किसी चीज पर बहुत ज्यादा विचार करते रहते हैं, काला जादू, तंत्र मंत्र, इन सब के चक्करों में जो पड़ते हैं, तरक्की से किसी की जो जेलस करते हैं, घर का वास्तु जिनका खराब है, अनावश्यक जो अननेसेसरी जो खर्चा करते हैं और जो जल्दी नहीं सोते रात्रि में, काम क्रोध में ज्यादा लगे रहते हैं और एक बात पर कभी टिके नहीं रहते, निर्णय हमेषा बदलते रहते हैं, जो षड्यंत्र दूसरों को गिराने के लिए हमेशा करते रहते हैं, अति शराब पीते हैं, अति संभोग करते हैं, अति मांस खाते हैं, अति कलह करते हैं और किसी को न्याय में अन्याय में बदल देते हैं, किसी के न्याय को, यानी कि गलत न्याय दिलाते हैं। जो शराब मांस का जो सेवन करते हैं, शराब मांस वेश्या या गंदी, इन गंदी जगहों के समीप या इन जगहों पर जो रहते हैं उनका शनि खराब होता है और जिन उनका शनि और राहु दोनों खराब होते हैं। अव्यवस्था जो फैलाए रखते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, उनका राहु खराब हो जाता है और परिणाम स्वरूप, दुष्परिणाम स्वरूप तरक्की रुक जाती है ऐसे व्यक्ति की, बार बार उसे मेहनत करनी पड़ती है, बार बार वो गिरता रहता है, विफलता सफलता, विफलता में बदल जाती है, हर चीज की बर्बादी होने लगती है, संघर्ष बहुत अत्यधिक हो जाता है जीवन में और भाग्य में मानो रुकावट आ जाती है, जीवन में कष्ट ही कष्ट और संघर्ष ही संघर्ष देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में राहु को अपने शुभ बनाने के लिए इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स को आप पॉजिटिविटी में बना दीजिए अपने जीवन में तो राहु आपका अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, केतु किस प्रकार से हमारी कुंडली के अंतर्गत खराब हो जाते हैं, किन कारणों के वश? दोस्तों, किसी प्रकार का पितृदोष यदि आपके जीवन में है, घर में है और वो अगर आपने शांत नहीं करवाया
पुरुषों के लिए किसी पुरुषों के लिए अपशब्द, व्यक्तियों के लिए अपशब्द जो कहने वाले होते हैं, पितरों का अपमान करने वाले जो होते हैं, श्राद्ध कर्म आदि में विश्वास नहीं करते और अपने पिता माता या बुजुर्गों के लिए पितरों के लिए श्राद्ध कर्म नहीं करवाते, ब्राह्मणों का द्रोह करते हैं, झूठ जो बोलते हैं अत्यधिक, और आडंबर ढोंग जो करते हैं, संतान अपनी संतान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते और उनसे अच्छा संबंध नहीं रखते प्यार प्रेम वाला, और फालतू के झगड़े में पड़ने वाले, जीवों की हत्या करने वाले, किल जीव हंत्री, धन धान्य किसी का हरण करने वाले, कान सूने रखने वाले, व्यवहार खराब रखने वाले, ऐसे लोगों का केतु खराब हो जाता है और अपने दुष्परिणाम स्वरूप बीमारियां, बहुत बीमारियां देता है। संतान ऐसे व्यक्तियों की नहीं होती है, चर्म रोग बढ़ने लगते हैं, सुख और समृद्धि से ऐसा व्यक्ति होना दूर हो जाता है और काफी कष्ट से जीवन को भोगता है। दोस्तों, यदि आपको केतु अपना सही करना हो कुंडली में, तो इन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को आप पॉजिटिव बना दीजिए अपने जीवन में, आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको शुभ फल देने लगेगा। सो अधिक जानकारी के लिए, कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए, आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।